जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों, सोते समय खर्राटे लेने की समस्या आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि लोगों ने इसे बीमारी मानना बंद कर दिया है। खर्राटे लेने वाले को तो पता नहीं चलता, लेकिन जो उसके आसपास होता है उसकी नींद खराब हो जाती है। और कई बार लोग खर्राटे को आने को अच्छी नींद की निशानी समझते हैं। लोग कहते हैं खर्राटे मार के सोया मतलब एक अच्छी नींद में सोया, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर की तरह, जो हमारे गलों की जो सांस की ध्वनि रहती है, कई बार उसमें सिकुड़न सी होती है, और जिसकी वजह से अगर हमारा गला वाइब्रेट करता है या गले का ढांचा वाइब्रेट करता है, और जो आवाज़ होती है उसकी वजह से खर्राटे होते हैं। और अगर ये एज के साथ कई बार ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और अगर आप इस पर लंबे समय तक ध्यान नहीं देते, तो दूसरे स्लिप डिसऑर्डर या फिर आपकी हार्ट की हेल्थ की भी एक निशानी हो सकती। तो आपको इन बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग खर्राटे से बचने के लिए काफ़ी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बाज़ार में कई तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। आजकल कुछ चीज़ें आ गई जिनको आप गले या नाक के आसपास लगाते तो उससे भी बोलते हैं कि खर्राटे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे फायदा नहीं देती। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल सा नुस्खा बताएंगे, आप इसको फॉलो कीजिए और ये आपके खर्राटे की प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर देगा। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए शहद। ये देखिए, इस तरीके से आपको एक चम्मच शहद ले लीजिए, एक चम्मच क्या तकरीबन एक चम्मच शहद। और उसके साथ में आपको चाहिए 1.5 से 2 चम्मच आप ऑयली ऑयल ले लीजिए, इसको हिंदी में जैतून का तेल भी बोलते हैं। आप इन दोनों को ले लीजिए और रात को सोने के पहले आप इन दोनों चीज़ों को ले लीजिए और इसको मिला लीजिए, इन दोनों को इस तरीके से। आप इस तरीके से इसको मिला लीजिए, को बस ऐसे ही पी जाइए। आप ऐसा रात को सोने के थोड़ी देर पहले पीजिए और आप इसको रेगुलर करिए, तो आपकी जो खर्राटे की समस्या आप देखेंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी लोगों में 3 से 7 दिन में आपको असर दिख ही जाएगा। वो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल है खर्राटों की समस्या में। जो शहद है वो भी हमारे खर्राटों को दूर करने में हेल्प करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारी सांसों की खुलने में हेल्प करता है, साथ में सूजन से बचाता है। उसी तरीके से जो ऑलिव ऑयल है वो भी इसी तरीके से हेल्प करता है। तो आप इस मिश्रण को ट्राई कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए आपको हेल्प मिलती है कि नहीं। और इस तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपके कोई सजेशंस या क्वेश्चंस हो। तो धन्यवाद दोस्तों।